एक्साइज एक्ट में बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते शराब की तस्करी करने वालों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के अंतर्गत पिछले एक महीने में अब तक 58 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 85 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हजारों लीटर कच्ची शराब व अन्य प्रकार की शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत कच्ची शराब बनाने वाले पर या तस्करी करने वाले पर पहले 1 से 20 हजार तक का जुर्माना लगता था, परंतु अब बदलाव किए जाने के बाद मिनिमम 2 साल की कैद है और उनसे जुर्माना 1 लाख से लेकर 10 लाख तक लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि CIS स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिले में किसी प्रकार की शराब की तस्करी ना होने पाए और ना ही कच्ची शराब बनने पाए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अगर इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। देखिए क्या कहा पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने। से ये शराब के ठेके बंद हुए हैं, सभी क्वार्टर से काफी जगह ये कंप्लेंट, काफी तरह की कंप्लेंट आ रही थी। एक तो जो ठेके की शराब है वो नजायज बिक्री है, दूसरा और जो गंभीर मामला था कि जो कच्ची शराब लोग बना के बेच रहे हैं। तो करीब पिछले एक महीने से जब से ठेके बंद हैं, इसमें काफ़ी सीरियसली इसको व्यू किया जा रहा है और सभी टीमों को और स्पेशल टीम को CIO को भी हिदायत दी गई है कि इसे काफ़ी गंभीरता से लेना है। तो इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि अब तक पिछले एक महीने में करीब 58 मुकदमे एक्साइज एक्ट के तहत हमने दर्ज किए हैं और इसमें जो है 85 व्यक्तियों को अब तक अरेस्ट किया गया है। कई हजारों लीटर में कच्ची शराब और जो लिसिट लिकर, जो ठेके की नजायज़ शराब है, उसे भी बरामद किया गया है और भी जगह ड्यूटीज लगाई गई हैं ताकि इस तरह के शराब की ना तो कुछ स्मगलिंग हो, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो और ना ही प्रोडक्शन कच्ची शराब की किसी भी एरिया में हो। यदि ऐसी कोई भी सूचना आपको मिलती है तो कृपया करके संबंधित थाने में या कंट्रोल रूम में उसकी सूचना दें, तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी मार्च के महीने में ही एक्साइज एक्ट में संशोधन किया गया है और इसके अंदर जो सजा का जो प्रोविज़न था उसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग स्टिल, ये जो कच्ची शराब की जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें अब, पहले इसमें केवल 1000 से 20000 का फाइन था, 2 साल तक की सजा थी, अब इसमें मिनिमम 2 ईयर्स अप टू 3 ईयर्स और फाइन जो है मिनिमम 1 लाख और अप टू 10 लैक्स यानी 10 लाख तक की तक का इस पर फाइन और कम से कम 2 साल की सजा। इस तरह से और भी काफ़ी संशोधन, चाहे वो कच्ची शराब को लेके हों या जो स्मगलिंग ऑफ लिसिट लिकर हो या पब्लिक ड्रिंकिंग हो, इन सबको संशोधन करके नए सेक्शन ऐड किए गए हैं और इसमें सजा और फाइन दोनों में काफी हद तक बढ़ोतरी की गई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.